हमीरपुर के नवनियुक्त एसपी रोहित मालपानी का कहना है कि अपराधियों में पुलिस के प्रति डर बना रहे, इसके लिए रोजाना नाके और पेट्रोलिंग पर फोकस किया जाएगा और नशे के कारोबारियों पर नजर रखकर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए स्कूल कॉलेजों के प्रबंधन से भी पुलिस पूरी तरह से तालमेल रखेगी। ऐसा लग रहा है कि हमीरपुर जिला को एसपी रास नहीं हो रहे हैं। मौजूदा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में जिले में छठे एसपी ने कार्यभार संभाल लिया है। इसमें एचपीएस और आईपीएस दोनों कैडरों के अधिकारी शामिल हैं। अजय बौद्ध की जगह रोहित मालपानी को अब यहां का नया एसपी तैनात किया गया है। बौद्ध को किन्नौर में तैनात कर दिया गया है। हालांकि वे हमीरपुर में 2 साल का कार्यकाल लगा कर गए हैं। रोहित मालपानी को एसपी के तौर पर पहली तैनाती मिली है। इससे पहले वो बिलासपुर, शिमला और सिरमौर में बतौर एएसपी तैनात रह चुके हैं। रोहित वर्ष 2012 कैडर के आईपीएच हैं और जयपुर से संबंध रखते हैं। उन्होंने जिला के 36वें एसपी का कार्यभार संभाला है। वर्ष 2013 में सरकार बनने के बाद उस समय तैनात एसपी मधुसूदन शर्मा का तबादला बटालियन के लिए बतौर कमांडेंट किया गया और उनकी जगह पर जगतराम चौहान को तैनात किया गया। मात्र 6 महीने बाद ही चौहान का ट्रांसफर चंबा में कर दिया गया। वहां के एसपी बीएम शर्मा को हमीरपुर में लगाया गया, लेकिन फिर सिर्फ 2.5 महीने बाद ही शर्मा को भी यहां से बदल दिया गया। शर्मा हमीरपुर में बतौर एसपी सबसे कम समय तक तैनात होने वाले अधिकारी थे। उनकी जगह सीआईडी विंग से वीना भारती को यहां लगाया गया, लेकिन भारती को 6 महीने बाद बदलकर उनकी जगह किन्नौर से अजय बौद्ध को तैनात कर दिया गया। बौद्ध अब दोबारा ट्रांसफर होकर किन्नौर गए हैं। जब तक अधिकारी कामकाज और यहां की व्यवस्था को समझते हैं, तब तक उनके ट्रांसफर के आदेश आ जाते हैं। बैठक के अलावा किसी भी अधिकारी को 3.5 सालों से ज़्यादा टिकने का मौका भी नहीं मिलता। इन तबादलों के कारण विभाग का कामकाज भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। वहीं नवनियुक्त एसपी रोहित मालपानी का कहना है कि अपराधियों में पुलिस के प्रति डर बना रहे, इसके लिए रोजाना नाके और पेट्रोलिंग पर फोकस किया जाएगा। नशे के कारोबारियों पर नजर रखकर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए स्कूल कॉलेजों के प्रबंधकों से भी पुलिस पूरी तरह से तालमेल बनाकर रखेगी। जैसा कि मुझे कुछ पता चला है, बाकी फीडबैक मिला है, यहाँ पर नशे का कारोबार कुछ बढ़ने लगा है, स्पेशली आसपास जो शिक्षण संस्थान है उनके आसपास बढ़ने लगा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। और जैसा कि पहले में पास्ट में मेरे फ्यूचर रिस्पेक्ट मेरे ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया है, उसको हम आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। कुछ ट्रैफिक की समस्याएँ मुझे यहाँ पर लोगों से सुनने को मिली है, खासकर हमीरपुर सिटी के अंदर, शहर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इनका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। क्राइम यहाँ पर बढ़ने लगा है, मैंने कल ही यहाँ की क्राइम डायरी भी देखी है जिले की। तो हमारा फोकस रहेगा कि प्रिवेंटिव एक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त रहे, खासकर हमारे नाके प्रोफेशनली लगे, रात को पेट्रोलिंग ढंग से हो, चेकिंग ढंग से हो, ताकि जो अपराधियों में डर है वो पुलिस का डर बना रहे। इससे बड़ा फोकस रहेगा कि प्रिवेंटिव एक्शन जो है पुलिस का वो अच्छा हो, हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम हो, ताकि कभी भी कोई शिकायत आती है या किसी क्राइम की सूचना मिलती है तो हमारी पुलिस वहाँ पर जल्द से जल्द मौके पे पहुँचे और पूरी उसके ऊपर पक्की कार्रवाई करे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत भत्ता की रिपोर्ट।